हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम्स जीवन में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है शंखपुष्पी ड्रग के बारे में। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं शंखपुष्पी ड्रग के बारे में। सिनोनेम्स मीन्स पर्यायवाची, विष्णु क्रांति। सोर्स सोर्स मीन्स स्रोत। शंखपुष्पी कंसिस्टस ऑफ द होल ड्राइड प्लांट ऑफ कॉनवुलस प्यूरिकॉलिस। सिनोनेम्स कॉनवुलस माइक्रोफाइलस। सेकंड नंबर है हमारा इवोल्वुलस अल्सिनर्स फैमिली कॉनवुलेसी। शंखपुष्पी जो है कॉनवुलस प्यूरिकॉलिस के संपूर्ण शुष्क पौधे से प्राप्त होते हैं। इसकी पर्यायवाची है कॉनवुलस प्यूरिकॉलिस की, कॉनवुलस माइक्रोफाइलस। और फैमिली जो है कॉनवुलेसी। अब हम बात करते हैं इसके घटक के बारे में, कौन कौन से घटक होते हैं। शंखपुष्पीन एन एल्केलाइड, फ्लेविनाइड्स, स्टार्च एंड पोटेशियम क्लोराइड। शंखपुष्पीन एल्केलाइड के रूप में फ्लेविनाइड्स, स्टार्च और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, अर्थात शंखपुष्पी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, अर्थात उच्च रक्तचाप में। फिर है ट्रैंक्यूलाइजर, ट्रैंक्यूलाइजर मीन्स शांतिदायक औषधि में। एंड फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, और जो है इम्प्रूविंग मेमोरी मीन्स याददाश्त बढ़ाने में। अब हम बात करेंगे इवोल्वुलस अल्सिनॉइड्स के बारे में। सेकंड नंबर है हमारा इवोल्वुलस अल्सिनॉइड्स। दिस प्लांट इज ए पेरिनियल हर्ब, यह पौधा एक बारहमासी जड़ी बूटी है। इट ग्रोज विल्ड इन इंडिया, यह भारत में जंगली में बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूट यानी घटक के बारे में, कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। एल्केलाइड विच आर बेटिन एंड इवोल्विन, एल्केलाइड जो बेटिन और इवोल्विन है। अदर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फिनोलिक कंपाउंड। अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और फिनोलिक यौगिक। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, अर्थात कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। एज ए ब्रेन टॉनिक, अर्थात ब्रेन टॉनिक के रूप में एंड सीडेटिव मीन्स दर्द हटाने वाली औषधि के रूप में। दूसरा नंबर है फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए। थर्ड नंबर है हमारा एज एन एंथ हेलमेंटिक, अर्थात पेट से कीड़े निकालने के लिए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।